ओके, गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। ओके, सो आज हम लोग डिस्कस करेंगे पीटी डायग्राम ऑफ फॉर प्योर सब्सटेंस। ओके, प्रीवियस क्लास में हम लोग ने देखा था पीबी एंड पीएच डायग्राम। ओके, सो टुडे हम लोग डिस्कस करेंगे पीटी डायग्राम फॉर प्योर सब्सटेंस। सो एक्सपेरिमेंट सारा सेम है। कंसीडर करते हैं 1 kg ऑफ आइस है जो इनिशियली -10 डिग्री सेंटीग्रेड पे रखा हुआ है। ओके, जो वन और इसको हम लोग यूनिफॉर्मली हीट करते हैं एट कॉन्स्टेंट 1 एटमोस्फेरिक प्रेशर पे। ठीक है, सो इफ द हीटिंग ऑफ आइस एट -10 डिग्री सेंटीग्रेड टू स्टीम एट -10 to 250 डिग्री सेंटीग्रेड तक हम लोग को हीट करना है। ओके, एट कॉन्स्टेंट प्रेशर ऑफ 1 एटमोस्फेरिक प्रेशर। सो देखते हैं इसके लिए पीटी डायग्राम कैसा होगा। पी को हम लोग प्लॉट करेंगे वाई एक्सिस में और टी को प्लॉट करेंगे एक्स एक्सिस में। ओके, सो इनिशियल हम लोग को क्या है, वन कंडीशन है जहां पे आइस सॉलिड आइस का टेम्परेचर -10 डिग्री सेंटीग्रेड है। ओके, सॉलिड आइस और प्योर सब्सटेंस। नाउ अब हम लोग इसको हीट करते हैं। ओके, सो हीट करेंगे तो क्या होगा, टू इज द सिचुएशन वेयर टेम्परेचर इज 0 डिग्री सेंटीग्रेड। ओके, सो हीट करेंगे तो ऑब्वियसली क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ रहा है। ठीक है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड, प्रेशर क्या है, कॉन्स्टेंट है। कितने पे हम लोग रिपीट करें एक्सपेरिमेंट, 1 एटमोस्फेरिक प्रेशर पे। नाउ थ्री पॉइंट कहां पे होगा बता सकते हो, इसमें थ्री पॉइंट कहां पे होगा, एनीवन को बता सकते हो थ्री पॉइंट कहां पे होगा। हेलो, हाँ बोलो सर। सर और एक जीरो होगा ना सर, मेल्टिंग पॉइंट का। हाँ, तो वही वाला थ्री पॉइंट कहाँ पे होगा बता सकते हो। थ्री पॉइंट कहाँ पे होगा, उसी लाइन पे आगे होगा सर, उस लाइन के आगे होगा या एग्जैक्टली वहीं पे होगा। एग्जैक्टली नहीं होगा सर। क्यों नहीं होगा एग्जैक्टली, सो थ्री पॉइंट क्या है, थ्री पॉइंट क्या है, ऐसे टू सिचुएशन है जहां पे क्या हो रहा है, सॉलिड सब्सटेंस मेल्ट होना स्टार्ट हो रहा है। ओके, 0 डिग्री पे, और थ्री सिचुएशन है जहां पे वो उसका मेल्टिंग क्या हो रहा है, कंप्लीट हो रहा है, बट टेम्परेचर थ्री पॉइंट का के कितना रहता है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, ऑल्दो यहाँ पे सॉलिड सब्सटेंस क्या कन्वर्ट होता है, थ्री पे क्या है, वाटर में, बट टेम्परेचर क्या होता है, 0 डिग्री होता है। समझ गए, सो टू और थ्री पॉइंट क्या होगा, यहीं पे, क्योंकि टेम्परेचर मेरा क्या, 0 डिग्री पे। ओके, नाउ हम लोग अगेन टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे, सो कहाँ तक, 100 डिग्री। सो ये फोर सिचुएशन है जहां पे 100 डिग्री आता है, तो 100 डिग्री पे जैसे ही लिक्विड आएगा वो क्या होगा, वेपर होना स्टार्ट होगा। सो सिमिलरली फोर सिचुएशन है कहाँ पे, जहां पे लिक्विड वेपराइज होना स्टार्ट हो रहा है, एंड फाइव सिचुएशन क्या था, जहां पे वेपराइजेशन कंप्लीट हो रहा है बट टेम्परेचर स्टिल कितना रहता है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड। सो फोर एंड फाइव क्या होगा, यहाँ पे होगा सेम पॉइंट पे, एंड टू एंड थ्री सेम पॉइंट पे। नाउ अब हम लोग टेम्परेचर अगेन इंक्रीज करेंगे, सिक्स तक कहाँ से, 250 डिग्री सेंटीग्रेड तक। सो टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है, प्रेशर कीपिंग कॉन्स्टेंट है। सो ये है फेज ट्रांजिशन ड्यूरिंग द हीटिंग ऑफ प्योर सब्सटेंस इन पीटी प्लॉट।
ठीक है, समझ में आया ये कैसे? यस सर। ठीक है, टू सिचुएशन था जहां पे हम लोग टेम्परेचर कहां था, जीरो डिग्री पे। जीरो डिग्री पे सॉलिड जैसे ही आएगा क्या होगा, मेल्ट होना स्टार्ट होता था, ठीक है। एंड थ्री पे क्या होता था, मेल्ट होना फिनिश होता था, बट टेम्परेचर यहाँ पे भी जीरो डिग्री होता था, ओके। सो टू और थ्री यहाँ पे सेम होगा, क्यों, क्योंकि टेम्परेचर जीरो डिग्री है, ओके। सो ये ध्यान रखना, ये टेम्परेचर लाइन है, ये प्रेशर लाइन है। सो प्रेशर हम लोग कॉन्स्टेंट पे रिपीट कर रहे हैं, वन एटमोस्फेरिक प्रेशर पे। सिमिलरली फोर सिचुएशन होता है कहाँ पे, जहां पे लिक्विड बॉइलिंग होना और वेपराइज होना स्टार्ट होता है, टेम्परेचर कितना रहता है 100 डिग्री पे। एंड फाइव सिचुएशन है जहां पे वो कम्प्लीटली लिक्विड क्या होता है, वेपर में कन्वर्ट हो जाता है, एंड द टेम्परेचर कितना रहता है 100। सो फोर एंड फाइव पॉइंट क्या सेम जगह पे लाइक करेगा। नाउ अगर हम लोग इसी एक्सपेरिमेंट को डिफरेंट कॉन्स्टेंट प्रेशर पे रिपीट करते हैं, ठीक है, तो मेरे को सिमिलर टाइप्स ऑफ ग्राफ मिलेगा, यानी सिमिलर टाइप्स ऑफ फेज ट्रांजिशन, ओके। So, ये 1 days हो गया, ये 2 days, 3 days, ये 4 days, 5 days एंड ये 6 days। सपोज ये एक्सपेरिमेंट में रिपीट किया 1.5 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। नाउ अब सिमिलर हम लोग क्या करते हैं, कोरस्पॉन्डिंग पॉइंट को ज्वाइन कर लेते हैं, ठीक है। तो जब हम लोग कोरस्पॉन्डिंग पॉइंट को ज्वाइन करेंगे, ठीक है, मैं यहाँ पे डायरेक्टली ड्रॉ कर दे रहा हूँ, ठीक है, इसको छोड़ के यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ। ज्वाइन करने पे मेरे को ग्राफ कैसा मिलेगा, ओके। अब देखो यहाँ पे सिंस टू सिचुएशन है कहाँ पे, सॉलिड मेल्ट होने स्टार्ट होता है, एंड थ्री द सिचुएशन वेयर मेल्टिंग इज द कंप्लीट। सो इसको हम लोग बोलते, कहने के मतलब है फ्यूजन यहाँ पे कंप्लीट हो रहा, तो इस कर्व को हम लोग बोलते हैं फ्यूजन कर्व, ओके। और फोर्थ सिचुएशन जहाँ पे वेपराइजेशन स्टार्ट होता है, एंड फाइव जहाँ पे फ्रीज होता है। सो इस जो कर्व है इसको हम लोग बोलते हैं वेपराइजेशन कर्व। ठीक है ना, आप इसमें बता सकते हो कि क्रिटिकल पॉइंट कहाँ पे होगा, इस पीटी डायग्राम में बता सकते हो क्रिटिकल पॉइंट कहाँ पे होगा। इस पीटी प्लॉट में क्रिटिकल पॉइंट कहाँ पे होगा, फ्यूजन कर सकते हैं एंड में सर, फ्यूजन करके इसके एंड में। ठीक नहीं सर, वेपराइजेशन सर। हाँ सर, बी के ऊपर होगा, किसके ऊपर, बी वेपराइजेशन कर के ऊपर होगा एकदम, और नीचे का थर्ड लाइन जो है वहां का पॉइंट पे होगा वेपराइजेशन कर, ठीक है, वेपराइजेशन कर के ऊपर पे यहाँ पे होगा क्रिटिकल पॉइंट, ओके। क्यों, जैसे हम लोग पढ़ते थे ये ना 4 to 5 का ये रहता था, ठीक है, ये 4 to 5 रहता था, ठीक है। तो इसको अगर आप मर्ज कर दोगे तो क्रिटिकल पॉइंट कहाँ पे रहता था, यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो ये जो 4-5 लाइन क्या है, मर्ज हो गया है, ओके। 4 जो, ठीक है, सैचुरेटेड लिक्विड लाइन विथ रिस्पेक्ट टू वेपराइजेशन एंड सैचुरेटेड वेपर लाइन विथ रिस्पेक्ट टू कॉन्डेंसेशन। सो दोनों यहाँ पे मर्ज करोगे तो क्रिटिकल पॉइंट कहाँ है, सबसे ऊपर में टॉप पे आएगा, तो वही है यहाँ पे, ओके। सो क्रिटिकल पॉइंट यहाँ पे क्या है, वेपराइजेशन कर्व के टॉप पे है।
सो क्लियर है, ये हुआ आपका पीटी डायग्राम फॉर प्योर सब्सटेंस। नाउ अब ये जो मेरा दो कर्व है यहाँ पे, ठीक है, एक है फ्यूजन कर्व, एक है वेपराइजेशन कर्व। नाउ अब ये जो कर्व है इसको हम लोग बोलते हैं क्या, सब्लिमेशन कर्व। ओके, ये कर्व कैसे मिलेगा, सब्लिमेशन कर्व कैसे मिलेगा, ठीक है, तो सब्लिमेशन कर्व कैसे मिलेगा, इफ द वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड, ठीक है, अगर वेपर प्रेशर को, सॉलिड के वेपर प्रेशर को, ठीक है, डिफरेंट टेम्परेचर पे अगर हम लोग प्लॉट करते हैं तो मेरा क्या होगा, ये कर्व जनरेट होगा। ओके, जिसको हम बोलते हैं सब्लिमेशन कर्व। और बिलो द सब्लिमेशन कर्व जो होगा ओनली क्या होगा, वेपर फेज में। कहने का मतलब अगर किसी भी सब्सटेंस को अगर हम बिलो दिस पॉइंट हीट करते हैं, ठीक है, तो क्या होगा, वो सब्सटेंस सडनली क्या होगा, वेपर में आएगा, ठीक है, लिक्विड जोन उसमें नहीं नजर आएगा। कहने का मतलब सडनली सॉलिड क्या होगा, वेपर में फ्लैश होगा। नाउ सो फ्यूजन कर्व, वेपराइजेशन कर्व एंड सब्लिमेशन कर्व तीनों एक पॉइंट पे मिलता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रिपल पॉइंट लाइन। ओके, ट्रिपल पॉइंट और ट्रिपल पॉइंट लाइन, बेसिकली ट्रिपल पॉइंट क्या होता है, एक लाइन होता है ना। सो यहाँ पे ध्यान देने वाला बात क्या है, फ्यूजन कर्व, ठीक है, सो द स्लोप ऑफ द फ्यूजन कर्व, ठीक है, ध्यान में रखोगे, द स्लोप ऑफ द फ्यूजन कर्व फॉर मोस्ट ऑफ द सब्सटेंस, ओके, फॉर मोस्ट ऑफ द सब्सटेंस इज पॉजिटिव बट फॉर वाटर इज नेगेटिव। ओके, जितने भी सब्सटेंस प्योर सब्सटेंस होगा, ठीक है, फ्यूजन कर्व का जो स्लोप होगा वो पॉजिटिव होगा, बट ओनली फॉर वाटर के लिए क्या होगा, नेगेटिव होगा। सो द स्लोप ऑफ द फ्यूजन कर्व, For most substances is positive, but for water it is negative. Okay, क्यों? क्योंकि water को जब हम लोग heat करते हैं तो सबसे पहले उसका volume decrease होता है and then increase होता है. Okay, so the slope of the fusion curve for most substances is positive, but for water इसके लिए क्या होगा? Negative होगा. अब स्लोप ऑफ द वेपराइजेशन कर्व, सो स्लोप ऑफ द वेपराइजेशन, जितने भी सब्सटेंसेस हैं, स्लोप ऑफ द सब्लिमेशन एंड स्लोप ऑफ द वेपराइज, स्लोप ऑफ द वेपराइजेशन कर्व एंड स्लोप ऑफ द सब्लिमेशन कर्व फॉर ऑल सब्सटेंसेस आर पॉजिटिव, ठीक है, जितने भी प्योर प्योर सब्सटेंसेस है सभी के लिए पॉजिटिव होगा। तो ये ध्यान रखोगे, फ्यूजन कर्व के लिए वाटर एक एक्सेप्शन है, ठीक है, फ्यूजन कर्व का जो स्लोप होगा फॉर वाटर के लिए नेगेटिव होगा, रेस्ट अदर प्योर सब्सटेंसेस के लिए पॉजिटिव होगा। एंड अदर जो दो कर्व है, सब्लिमेशन कर्व एंड वेपराइजेशन कर्व, ठीक है, इसका स्लोप ऑल प्योर सब्सटेंसेस के लिए पॉजिटिव होगा, ठीक है। तो ये सब एमसीक्यू में पूछा जाता है, इसको याद रखोगे। सो समझ में आया ये पीटी डायग्राम? Yes, sir. ठीक है, तो अब हम लोग लास्ट डायग्राम चलते हैं, HS प्लॉट, और इसको मोलियर डायग्राम भी बोलते हैं, ठीक है, HS डायग्राम और इसको बोलते हैं मोलियर डायग्राम भी, और इसी से मोलियर चार्ट बनता है। HS डायग्राम और इसको मोलियर डायग्राम भी बोलते हैं। ओके, बुक के पीछे देखो, दिया होगा मोलियर डायग्राम। मोलियर डायग्राम फॉर प्योर सब्सटेंस, ना सो कैसे हम लोग एक्सपेरिमेंट, मेरा सारा सेम है वही, 1 kg ऑफ सॉलिड आयस लेते हैं, नेचुरली -10 degree पे है। ओके, और इसको यूनिफॉर्मली हीट करते हैं अप टू 250 डिग्री सेंटीग्रेड, कीपिंग प्रेशर कांस्टेंट एट 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। नाउ सो एचएस डायग्राम प्लॉट करने के लिए हम लोग एक इक्वेशन का हेल्प लेंगे, कौन सा इक्वेशन का, H इक्वल टू U प्लस PV।
ओके इंथैल्पी इक्वल टू इंटरनल एनर्जी प्लस प्रेशर वॉल्यूम फॉर डॉट, ये ऑलरेडी हम लोग डिस्कस किए पहले भी। सो डीएच इक्वल टू डिफ्रेंशिएट करते बोथ साइड, डीएच इक्वल टू डी यू प्लस पी डी वी प्लस वी डी पी, ठीक है, क्लियर है। और फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से हम लोग को क्या पता है, डी क्यू इक्वल टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू, ठीक है, और डी क्यू इक्वल टू डी यू प्लस पी, ठीक है, पता है। अब हम लोग क्या करेंगे, जो डी यू है इसको यहां से एलिमिनेट करेंगे। ओके सो डी एच डी यू इक्वल टू डी क्यू माइनस पी डी बी प्लस पी डी बी प्लस वी डी पी, समझ में आ रहा है? Yes, ठीक है। एच एस डायग्राम प्लॉट करने के लिए क्या रहे, हम लोग एक इक्वेशन का हेल्प ले रहे हैं, वो कौन सा इक्वेशन है, एच इक्वल टू यू प्लस पी बी, बोथ साइड डिफरेंशिएट करते हैं, डी एच इक्वल टू डी यू प्लस पी डी बी प्लस वी डी पी। ओके एंड फर्स्ट फ्रॉम द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, डी क्यू इक्वल टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू और डी क्यू इक्वल टू डी यू प्लस पी डी बी। नाउ अब हम लोग क्या कहते हैं, डी यू को यहाँ से एलिमिनेट करते हैं, सो डी यू इक्वल टू डी क्यू माइनस पी डी बी लिख दिए, सो पी डी बी पी डी बी कैंसिल आउट, सो डी एच इक्वल टू डी क्यू प्लस वी डी पी। ओके और डी एच इक्वल टू इन टर्म्स ऑफ एंट्रोपी क्या लिख सकते हैं, डी क्यू को क्या लिख सकते हैं, TDS है। TDS, very good. So DQ equal to TDS plus VDP. Okay. अब और अगर हम बात करें, जितना भी हम लोग एक्सपेरिमेंट रिपीट कर रहे हैं एट सर्टेन कॉन्स्टेंट प्रेशर पे, सो P इक्वल टू कॉन्स्टेंट, सो P इक्वल टू कॉन्स्टेंट यानी VDP इक्वल टू क्या होगा, जीरो, क्योंकि DP है, सो P इक्वल टू कॉन्स्टेंट यानी VDP जीरो। सो फाइनली क्या है, DH इक्वल टू TDS, ठीक है, और इसको इन टर्म्स ऑफ पार्शियल डिफरेंशिएट क्या लिख सकते हैं, डेल एच बाय डेल एस एट कांस्टेंट प्रेशर पी इक्वल टू टी। ओके कांस्टेंट प्रेशर पे हम लोग एक्सपेरिमेंट रिपीट कर रहे हैं, ठीक है, तो इसका कहने का मतलब क्या हुआ, डेल एच बाय डेल एस एट पी इक्वल टू टी कि द स्लोप ऑफ एन आइसोबार, ठीक है, अगर हम लोग एच एस प्लेन पे, ठीक है, एच एस प्लेन पे ठीक कोई भी कर्व ड्रॉ करते हैं और उसका अगर हम लोग स्लोप निकालते हैं तो उस पॉइंट पे जो स्लोप का वैल्यू होगा इक्वल टू दैट टेम्परेचर होगा। ओके द स्लोप ऑफ एन आइसोबार्स ऑन द एचएस कोऑर्डिनेट इज इक्वल टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर एट दैट प्रेशर। ओके इस डेल्टा एच डेज कहने का मतलब है, ठीक है, कहने का मतलब इफ द टेम्परेचर रिमेन्स कॉन्स्टेंट तो क्या होगा, इस कर्व का स्लोप क्या होगा, कॉन्स्टेंट रहेगा, अगर टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो इस कर्व का स्लोप इंक्रीज होगा, अगर टेम्परेचर डिक्रीज होगा तो यहाँ पे कोई भी कर्व हम लोग ड्रॉ करेंगे इस एचएस प्लेन पे तो कर्व स्लोप डिक्रीज होगा, ठीक है। सो कहने का मतलब है द स्लोप ऑफ एन आइसबार्स ऑन द एचएस कोऑर्डिनेट इज इक्वल टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर एट दैट प्रेशर, ठीक है। तो आप देखो कैसे हम लोग ड्रॉ करते हैं एचएस डायग्राम, तो सबसे पहले देखो कि इसमें हम लोग पॉइंट जनरेट कैसे करते हैं। ओके सो इनिशियली मैं कंसीडर करता हूं कि वन पॉइंट यहां पे है जहां पे टेम्परेचर क्या है, माइनस 10 डिग्री सेंटीग्रेड है। ओके नाउ अब हम लोग क्या करते हैं, टेम्परेचर को हीट करते हैं, सो इफ टेम्परेचर हीट होगा, ठीक है, कहने का मतलब टेम्परेचर इंक्रीज होगा क्या, तो क्या होगा, स्लोप विल इंक्रीज,
सो टू जीरो डिग्री है, ठीक है ना। टू टू थ्री के बीच क्या होगा, टेम्परेचर कॉन्स्टेंट है। तो कहने का मतलब ये जो कर्व होगा ठीक है, इसका स्लोप क्या रहेगा, कॉन्स्टेंट रहेगा, ठीक है। एक्चुअली यहाँ पे ग्राफ पेपर पे स्केच पे दिखा पाना इम्पॉसिबल है कि स्लोप कॉन्स्टेंट हो रहा है, स्लोप इंक्रीज हो रहा है, लेकिन फिर भी मैं डायरेक्टली ड्रॉ कर दे रहा हूँ कैसा होगा, ठीक है। सो जीरो डिग्री सेंटीग्रेड, सॉरी माइनस टेन डिग्री, जीरो डिग्री, जीरो डिग्री, हंड्रेड, हंड्रेड, टू फिफ्टी, ठीक है। अब देखो वन और टू के बीच में, ठीक है, इसका स्लोप क्या होगा, इंक्रीजिंग स्लोप होगा। टू और थ्री के बीच में जो कर्व होगा इसका स्लोप क्या होगा, कॉन्स्टेंट होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ देखो साफ दिखा हुआ डेल एच बाय डेल एट पी इक्वल टू कॉन्स्टेंट। कहने का मतलब है अगर एच एस प्लेन पे हम लोग कोई भी कर्व जनरेट करते हैं उसका स्लोप का जो वैल्यू होगा इक्वल टू एट दैट टेम्परेचर, ओके। सो टेम्परेचर यहाँ पे कॉन्स्टेंट है टू और थ्री के बीच में, सो ये कर्व का जो स्लोप होगा यहाँ पे क्या होगा, कॉन्स्टेंट होगा। थ्री टू फोर में अगेन टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है, सो स्लोप क्या होगा, इंक्रीज करेगा। सिमिलरली ठीक है, फोर टू फाइव में क्या होगा, कॉन्स्टेंट होगा, एंड फाइव टू सिक्स में अगेन स्लोप क्या होगा, इंक्रीज होगा। सो अगर मैं रिपीट किया इसको वन एटमोस्फेयर, अगर सिमिलर एक्सपेरिमेंट हम लोग रिपीट करते हैं तो मेरे को इसी टाइप का कर्व जनरेट होगा, ठीक है। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, फिर से वही करेंगे, कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट को हम लोग ज्वाइंट कर देंगे, ठीक है। तो इसका ग्राफ जो होगा थोड़ा सा टिल्ट आएगा, देखो कैसे आता है, इस तरह से आएगा, ठीक है। जब तुम ड्रॉ करोगे इसको तो इस तरह से इसका कर्व जनरेट होगा। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, टू डैश, थ्री डैश, फोर डैश, फाइव डैश, सिक्स डैश, एच एस, ठीक है। सो देखो सारा क्रॉसपॉन्डिंग पॉइंट को हम लोग इस तरह से ज्वाइन करेंगे, सो फोर टू फाइव इस तरह से, ओके। सो जस्ट यहाँ वही है, बस मैं यहाँ पे डायरेक्टली ड्रॉ किया हूं। सो क्लियर है ये पॉइंट। अब देखो ये जो कर्व है, ठीक है, ये जो कर्व, कहने का मतलब है यहाँ पे जो कर्व ये मिलेगा और इसके अबव में इसके पैरेलल नहीं होगा, ठीक है, इससे काफी सारा डाइवर्स होगा, क्योंकि डाइवर्स होगा क्योंकि यहाँ जो टेम्परेचर है इससे ज्यादा क्या होगा, इसके कंपेयर में काफी ज्यादा होगा इस यहाँ का टेम्परेचर। सो ज्यादा होने के कारण क्या होगा, ये एक दूसरे की ओर इस तरह से काफी डाइवर्ज करेगा। कहने का मतलब इसका जो स्लोप होगा काफी ग्रेटर देन होगा एज कंपेयर टू दिस। ठीक है, जो मोलियर डायग्राम जब हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तब मोलियर डायग्राम क्लियर होगा। ना अब है सैचुरेशन स्टेट्स, ठीक है। सो सैचुरेशन स्टेट्स, तो सबसे पहले तो ये ध्यान में रख लो कि सैचुरेशन स्टेट को डिफाइन करने के लिए, ठीक है, हम लोग को क्या चाहिए, आइदर प्रेशर और टेम्परेचर, ठीक है।
ना अब मेरा क्वेश्चन है यहाँ पे देखो कि अगर मैं बोलू कि ये जो एक्सपेरिमेंट मैं रिपीट कर रहा हूँ 1 एटमोस्फेरिक प्रेशर पे और ये 1 एटमोस्फेरिक 1.5 एटमोस्फेरिक प्रेशर, तो अगर मैं वाटर का बात कर रहा हूँ तो 4 पर टेम्परेचर कितना होगा, 100 डिग्री होगा, 100 डिग्री होगा ना? यस सर, यस सर, ठीक है। और ये 5 का भी 100 डिग्री होगा, ठीक है। कहने का मतलब है अगर मैं 1 एटमोस्फेरिक प्रेशर पे जैसे ही बात कर रहा हूँ तो यहाँ पर टेम्परेचर ऑटोमेटिकली क्या हो जा रहा है, फिक्स हो जा रहा है 100 डिग्री, क्योंकि ये कॉमन सा बेसिक क्वेश्चन है कि वाटर एट नॉर्मल एटमोस्फेरिक प्रेशर पे कहाँ पे बॉयल होता है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे, ठीक है। अगर इसी को मैं उल्टा रिवर्स में पूछूं कि वाटर अगर बॉयल होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे तो फिर प्रेशर कितना होगा, तो ऑब्वियसली आंसर है 1 एटमोस्फेरिक प्रेशर है, क्योंकि अगर वाटर 100 डिग्री पे बॉयल हो रहा है तो ऑब्वियसली ये नॉर्मल एटमोस्फेरिक प्रेशर ही होगा। सो कहने का मतलब है बिटवीन 4 एंड 5 ये क्या है, सेचुरेशन स्टेट्स है, ठीक है। सो सेचुरेशन स्टेट्स को डिफाइन करने के लिए, ठीक है, आइदर प्रेशर और टेम्परेचर दोनों में से एक प्रॉपर्टी सफिशियंट है, ठीक है, आइदर प्रेशर और टेम्परेचर दोनों में से कोई भी, ठीक है। सो इफ द प्रेशर इज गिवेन, ओके, इफ द प्रेशर इज गिवेन द टेम्परेचर ऑफ द मिक्सर गेट फिक्स्ड, ठीक है, अगर प्रेशर दिया हुआ है तो टेम्परेचर ऑटोमेटिकली फिक्स्ड हो जा रहा है, जिसको नाम इसको हम लोग बोलेंगे क्या, सेचुरेशन टेम्परेचर। और इफ द टेम्परेचर इज गिवेन देन द सेचुरेशन प्रेशर गेट्स फिक्स्ड, ठीक है। सो सेचुरेटेड लिक्विड और सेचुरेटेड वेपर, ठीक है, हैज ओनली वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल, दैट इज ओनली वन प्रॉपर्टी इज रिक्वायर्ड टू फिक्स अप द स्टेट, आइदर प्रेशर और टेम्परेचर, ठीक है, ये क्लियर है। सेचुरेशन लिक्विड और सेचुरेटेड वेपर के लिए आइदर प्रेशर और टेम्परेचर दोनों में से एक प्रॉपर्टी सफिशियंट है। नाउ अब बात है इस 5 पॉइंट की इधर, ठीक है, कहने का मतलब वेपराइजेशन जहां कंप्लीट होता है इसकी जो इधर है इसको हम लोग बोलते हैं सुपर हीटेड स्टेट्स, ओके। जो 6 पॉइंट है इसको हम लोग बोलते हैं क्या, सुपर हीटेड स्टेट। अब इसको डिफाइंड करने के लिए, कहने का मतलब बियॉन्ड द फाइव स्टेट डिफाइन करने के लिए प्रेशर और टेम्परेचर ये दोनों को मेरा रिक्वायरमेंट होगा, ठीक है, कहने का मतलब बोथ आर रिक्वायर्ड और कंपलसरी, ठीक है, नॉट आइदर प्रेशर और टेम्परेचर, बट सुपर हीटेड स्टेट को डिफाइन करने के लिए मेरे को प्रेशर और टेम्परेचर दोनों का, क्यों। अब 5 जैसे कि यहाँ पे 5 का टेम्परेचर 100 डिग्री पे और 6 का 250 डिग्री, ओके, सो 100 टू 250 डिग्री में काफी टेम्परेचर वेरिएंस है, ठीक है। अगर मैं पूछूं कि यहाँ पे वेपर का स्टेट्स क्या है, ठीक है, वेपर का स्टेट कहने के मतलब अगर मैं एक पॉइंट दे देता हूँ यहाँ पे, सपोज एल पॉइंट दे देता हूँ, तो यहाँ पे पूछू कि वेपर का स्टेट्स क्या है, तो वेपर का स्टेट्स के लिए आपको प्रेशर तो बताना ही पड़ेगा, 1 एटमोस्फेरिक प्रेशर प्लस टेम्परेचर भी बताना पड़ेगा कि यहाँ का किस कि कौन से टेम्परेचर पे आप पूछ रहे हो, क्योंकि यहाँ पे 100 है यहाँ पे 250 है, सो आपको टेम्परेचर भी बताना पड़ेगा, ठीक है। कहने का मतलब बियॉन्ड द सेचुरेटेड वेपर स्टेट स्टीम को डिफाइन करने के लिए क्या क्या मेरे को प्रेशर और टेम्परेचर दोनों का रिक्वायरमेंट जरूरी है, कहने का मतलब है सुपर हीटेड स्टेट्स को डिफाइन करने के लिए प्रेशर और टेम्परेचर दोनों का जरूरी है। सुपर हीटेड स्टेट किसको बोलते हैं, अबव द सेचुरेशन टेम्परेचर, ठीक है, अबव द सेचुरेशन टेम्परेचर को हम लोग क्या बोलेंगे, सुपर हीटेड स्टेट्स, क्लियर है। यहां तक किन्हीं को कोई डाउट है, नो सर, ओके। तो 10 मिनट का टाइम बचा हुआ आज मैं यही रहने देता हूं, तुम लोग का अब ये टास्क रहा सुपर हीटेड स्टीम के बारे में पढ़ के आना है, सुपर हीटेड स्टेट्स के बारे में। नेक्स्ट क्लास हम लोग डिस्कस करेंगे ड्राइनेस फ्रैक्शन और क्वालिटी और मोलियर डायग्राम, ठीक है, मोलियर डायग्राम बोल रहे स्टीम टेबल। सो स्टीम टेबल सामने रखोगे नेक्स्ट क्लास में, पहले हम लोग डिस्कस करेंगे क्वालिटी और इसको बोलते हैं ड्राइनेस फ्रैक्शन। डिप्लोमा होल्डर बता सकते हो ये क्या है, बहुत सारे पढ़ के भी आए होंगे डिप्लोमा में, इसको एक्स से जनरली डिनोट करते हैं क्वालिटी और ड्राइनेस फ्रैक्शन।
प्रेम प्रकाश प्रेम प्रकाश यस सर यस सर डिप्लोमा में पढ़े हो क्वालिटी और ड्राइनेस फ्रैक्शन क्वालिटी तो याद नहीं आ रहा है सर दोनों एक ही चीज है क्वालिटी और ड्राइनेस फ्रैक्शन ओके और को पढ़े हो डिप्लोमा में यस सर हाँ बताओ क्या है एक रेशियो होता है मास ऑफ वेपर डिवाइडेड बाय मास ऑफ वेपर प्लस मास ऑफ लिक्विड वेरी गुड ठीक है क्वांटिटी ऑफ द मास ऑफ वेपर इन ए लिक्विड वेपर मिक्सर उसको हम लोग बोलते हैं क्वालिटी और ड्राइनेस फ्रैक्शन ठीक है जैसा कि हम लोग प्रीवियस में डिस्कस किए कि इस चैप्टर का यूज हम लोग क्यों करते हैं पावर प्लांट के एप्लीकेशन के लिए तो पावर प्लांट में हम लोग क्या यूज करते हैं स्टीम किसको टर्बाइन को रोटेट करने के लिए तो मेरा जितना स्टीम ज्यादा होगा कहने का मतलब क्वालिटी और ड्राइनेस फ्रैक्शन ठीक है जितना ज्यादा होगा उतना मेरा स्टीम टर्बाइन के लिए बढ़िया है तो उसी को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं किसमें एक्स में क्वालिटी और ड्राइनेस फ्रैक्शन ठीक है तो क्वांटिटी ऑफ द वेपर इन ए लिक्विड वेपर मिक्सर सो नेक्स्ट क्लास हम लोग डिस्कस करेंगे क्वालिटी और ड्राइनेस फ्रैक्शन प्लस स्टीम टेबल कैसे देखते हैं स्टीम टेबल अगर होगा तो स्टीम टेबल सामने रखोगे नेक्स्ट क्लास में ठीक है क्लियर है चलो अपना अपना यहाँ पे अटेंडेंस पुट करो गूगल क्लासरूम में ओके थैंक यू